आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि अगर हमको मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू टू ये ग्राफ बनाना है तो हमारा क्या प्रोसेस होगा। तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि एक्स पर मॉड लगाने से क्या होता है, फिर वाई पर मॉड लगाने से क्या होता है। अब ये दोनों पता हो जाएगा तो हम लोग ये ग्राफ बना देंगे। पहले सुनो, एक्स पर मॉड लगाने से क्या होता है उसको मैं यहाँ पर एक उदाहरण लेकर, एग्जाम्पल लेकर समझा दे रहा हूँ। देखो जैसे ये कोई भी ग्राफ है, एनी ग्राफ, ठीक, बात समझ पाए, ये कोई भी ग्राफ है, मान लो ये कोई ग्राफ, तो इस ग्राफ का वो हिस्सा जो वाई एक्सिस के, ध्यान देना ये पूरी वाई एक्सिस ये वाली, इस ग्राफ का वो हिस्सा जो वाई एक्सिस के दाएं है उसको कंटेन करो, उसको अपने पास रखो, बाकी को हटा दो। तो मुझे बताओ वाई एक्सिस के राइट साइड इतना ग्राफ है ना? यस सर। तो इतना ग्राफ रखो, बाकी हटा दो, ये हटा दो, यानी अब ये नहीं है, और जो ये बच गया ना ये वाला, इसी को इधर रिपीट कर दो। समझ पाए? जो इधर ये बच गया वाई एक्सिस को मिरर मानकर इसकी इमेज ले लो, तो इसकी मिरर इमेज, तो इसकी मिरर इमेज देखो ऐसे ही बनेगी ना, ऐसे, इसको तो हटा दो, इससे मतलब नहीं है। yes. और जो ये बना हुआ है ये, इसी को यहाँ पर ऐसे मानकर कि यहाँ ये मिरर है और इसको देखो तो ये वाला ग्राफ यहाँ आ जाएगा, ये जो ऊपर गया वो इधर आ जाएगा। समझ गए होगे? तो इसी सेंस में ये इधर रिपीट कर गया, बोलो ठीक। तो पहले ग्राफ बनाओगे y इक्वल टू एफ एक्स का, फिर बनाओगे y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x का, यानी x पर मॉड लग गया, ठीक। जो अब ग्राफ बना हुआ है वो y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x है, बोलो ठीक है। yes, अब ये सुनो कि अगर y पर मॉड लगा हो तो क्या होता है, अगर y पर मॉड लगाए तो क्या होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर इस ग्राफ का कुछ पोर्शन दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये इतना ग्राफ है, यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, और फिर यहां से लेकर यहां तक, तो इसको रखो अपने पास, बाकी सब हटा दो, यानी जो एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है उसको हटा दो, और जो ऊपर है ये वाला, इसको यहाँ मिरर मानकर, एक्स एक्सिस को मिरर मानकर, इसको इधर रिपीट कर दो, इसको इधर रिपीट कर दो, इसको इधर रिपीट कर दो। समझ गए होगे। yes, यानी सुनो ध्यान से, जब एक्स पे मॉड लगेगा तो वाई एक्सिस के दाएं वाला ग्राफ बाएं आ जाएगा, दाएं बाएं दोनों हो जाएगा, और जो वाई एक्सिस के बाएं रहा होगा पहले से वो हटा देंगे। फिर सुनो, जब x पे मॉड लगेगा तो ग्राफ का वो हिस्सा जो y एक्सिस के राइट साइड रहेगा वो तो अपने पास रखोगे, और जो इसके लेफ्ट बना होगा उसको रिमूव कर दोगे, इसको हटा दोगे। फिर जो y एक्सिस के राइट साइड बचा है उसको उसके लेफ्ट में भी उसी तरह बना दोगे जैसे राइट साइड बना था। कुछ समझ पाए? यस सर। तो ये हुआ x पर मॉड लगाने से। y पर मॉड लगाने से क्या होगा, जो x एक्सिस के ऊपर ग्राफ है, जो x एक्सिस के ऊपर ग्राफ है उसको अपने पास रखोगे, जो x एक्सिस के नीचे है उसको हटा दोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, जो ऊपर बना हुआ है उसी को नीचे बना दोगे रिपीट करके, दोनों ग्राफ आ जाएंगे। जैसे ये बना था तो मैंने ये बना दिया, ये बना था तो ये भी बना दिया, ये बना था तो ये भी बना दिया। समझ गए होगे बात? बात समझ। चलो अब इसको बनाते हैं, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू टू क्या बनाते हैं सर? ऐसे है क्या, रुकिए एक बार देख लीजिए। तो बनाओ, दिखाओ मुझे, बनाओ जो बनाया है उसे दिखाओ। हाँ दिखा रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ तो उसे मैच करा लो सही है कि गलत। यहाँ मैं बना रहा हूँ, देख लीजिए। नहीं सही नहीं है, नहीं है नहीं। अरे ये निगलेक्ट है, जो पेंसिल से वो है ये वाला पोर्शन नेग्लेक्टेड। हम मैं बना रहा हूँ, हमको सही दिखाई नहीं दे रहा वास्तु में ना, तो देखो यहाँ पर ठीक।
देखो पहले बिना मॉड के ग्राफ बनाया जाता है। जब ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ अगर मॉड का बनाना है तो पहले समझ लो कि यहाँ मॉड नहीं है, यानी एक्स पर मॉड नहीं है और वाई पर भी मॉड नहीं है। तो पहले क्या ग्राफ बनाएंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से होगी। अगर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू टू बनाना है तो पहले हम लोग बिना मॉड वाला ग्राफ बनाएंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू। अब इसमें देखो एक्स जीरो करेंगे तो वाई टू आएगा, एक्स जीरो वाई टू, और अगर वाई जीरो करेंगे तो एक्स टू आएगा, यानी एक्स जब टू आएगा तो वाई जीरो होगा। तो टू कॉमा जीरो और जीरो कॉमा टू से ये लाइन पास करेंगे, ये समझे। लाइन कैसे जाना है कि लाइन ही होगी ये मैं ऐसे जाना, क्योंकि एक्स और वाई की पावर वन है तो इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन की पहचान क्या होती है, उसकी एक्स और वाई की पावर क्या होती है, वन वन। तो वन ये लाइन की पहचान है, इसलिए लाइन बना दी मैंने। तो ये हाइट भी टू है, समझना, अब इसे हटा दे रहा हूँ, ये वाली हाइट भी टू है और ये वाली डिस्टेंस भी टू है, ठीक, ये भी टू है, ये भी। ये तो सिंपल लाइन हो गई, दिस इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू। अब एक्स पर मॉड लगाने से क्या होगा, एक्स पर मॉड लगाने से क्या होगा, जो वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड है वो तो वैसे ही रहेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है हाँ, ये जो उसको इधर है ये नेगलेक्ट कर ऐसे देंगे। रहेगा और जो लेफ्ट है ये हट जाएगा, सही। ये वाई एक्सिस के लेफ्ट है ये हट गया और राइट साइड वाला ये ऐसे रहेगा। अब इसके बाद जो ये बचा हुआ है इसी की मिरर इमेज लोगे तो दो वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, माइनस टू पर। अरे यार इधर दो तो इधर माइनस दो, जीरो वाला जीरो पर रहेगा, यस सर तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। तो जो अभी बना हुआ है ये हिस्सा, ये तो हट गया यस सर ना, ये ग्राफ किसका है, मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, सही है। यस सर अब वाई पर मॉड लगाएंगे, तो जब वाई पर मॉड लगाते हैं तो वाई एक्स एक्सिस के जो ऊपर है, यानी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये तो बचा रहेगा, और इसके जो यस नीचे है सर ये वाला हिस्सा हटा दिया जाएगा, एक्स एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा ये हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दो। और जो ये बना है टू उसकी इमेज लो इसमें, तो इसकी इसकी इमेज तो यहीं पर आएगी, टू की इमेज कहाँ पे आएगी, माइनस टू पर, तो ये टू यूनिट नीचे आ जाएगा, ये नीचे निगेटिव है, मैग्नीट्यूड से टू ही है, बस इतना जानो ये टू है तो ये भी टू होगा, तो ये हिस्सा ऐसे बनने, सही है भाई। इसकी इमेज इसमें लोगे तो एक बनेगी। यस सर अब बताओ, अब ये बताओ, ये तो 90 डिग्री अच्छे से जान रहे हो, यस सर और ये टू है तो इसके सामने ये वाला एंगल और ये भी टू है इसके सामने ये वाला एंगल, दोनों बराबर होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में दो बराबर एंगल कितने हैं, 45, 45 45। ऐसे ये टू है ये भी टू है तो ये राइट एंगल है, ये टू के सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल फिर से बराबर होगा, समझ गए होगे, यही कहानी रिपीट करती जाएगी, 45 45। अब मुझे बताओ ये जो बना हुआ है ए बी सी डी ये क्या है, ए बी सी डी क्या ये है, एक स्क्वायर ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर स्क्वायर, इसका इसकी साइड बताओ, ये साइड बी सी की लेंथ बताओ, सब बराबर होगी ना, यस सर ये लेंथ बताओ, ये तो सर √8 2 √2 ये आएगा टू और टू का स्क्वायर का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 मतलब 2√2, तो ये इसकी साइड आ गई ना। यस सर अब जो क्वेश्चन आईआईटी में आया था वो ये था, व्हाट इज द एरिया, ध्यान से सुनना, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू टू। तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई जब आप इसको बनाए तो स्क्वायर बना, अब इसका जो एरिया बाउंडेड है ये वाला एरिया तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, एरिया इक्वल टू साइड यानी एट टू आएगा एट टू रूट टू का स्क्वायर यानी 8। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था, बस इतना अंतर था उसमें कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1 लिखा था,
तो ये वन होगा, ये भी वन होगा, तो ये रूट टू आएगा, रूट टू का स्क्वायर टू आएगा। लॉजिक यही था, समझ पाएंगे नहीं? यस सर, समझ गए। तो अगर x पर मॉड लगा है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, अगर x पर मॉड लगा है x पर, तो इसका ग्राफ का वो हिस्सा जो y एक्सिस के राइट साइड है वही लेफ्ट बना दो, बाकी हटा दो। यानी y एक्सिस के राइट जो है उसको रहने दो, बाकी हटा दो जो इधर बना है, और फिर जो राइट साइड है उसी को रिपीट कर दो। y पे मॉड लगा हो तो क्या करेंगे, x एक्सिस के जो नीचे बना है ग्राफ उसको हटा दो, जो ऊपर बना है उसको रहने दो, और उसके बाद जो ऊपर बचा है उसी को नीचे रिपीट करो। समझ गए होंगे? यस सर। तो ये एक क्वेश्चन था IIT में जो आया था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी लगवाएंगे आपको, थोड़ा बेसिक आगे सीखते जाइए तब।